हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। सरकार से कर्मचारियों को तीन बड़े तोहफे, पहला वेतन वृद्धि की घोषणा, दूसरा पुरानी पेंशन रद्द, तीसरा 27% RIR। पूरी जानकारी दी जाएगी, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए हमारी सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। चलिए आपको लेकर चलते हैं उस न्यूज़ पर। नई सरकार से तोहफा मिलते ही सचिवालय में मौजूद सभी कर्मचारियों ने YS जगन रेड्डी जिंदाबाद के नारे लगाए। रेड्डी ने यह भी घोषणा की रविवार को होने वाले मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं पर फैसला लिया जाएगा। नई दिल्ली, आंध्र प्रदेश की ये खबर है। आंध्र प्रदेश में जो है ये सारी योजनाएं जितनी भी मैंने आपको बताई हैं सारी वहाँ पे लागू होने वाली हैं। मुख्यमंत्री ने, आंध्र प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने वहाँ पर ये सब चीज़ें जो हैं आपको अलाउ कर दी हैं। चलिए आपको न्यूज़ पहले बता देते हैं सारी। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी कुर्सी संभालते ही एक्शन में आ गए। शनिवार को सचिवालय पहुंचे रेड्डी ने ग्रीवेंस हॉल में सरकारी कर्मचारियों से मुलाकात की। जगन मोहन रेड्डी ने कर्मचारियों को आश्वासनों की अमलावरी की घोषणा कर दी। जानकारी के मुताबिक शनिवार के सचिवालय पहुंचे जगन मोहन रेड्डी ने कर्मचारियों को 27% अंतरिम राहत IR की घोषणा की। इसके अलावा CPS रद्द करने का भी ऐलान किया। साथ ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि की घोषणा की। रेड्डी से सौगात मिलते ही सभी सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और कुछ ही पलों में पूरा सचिवालय तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कर्मचारियों ने लगाए नारे। नई सरकार से तोहफा मिलते ही सचिवालय में मौजूद सभी कर्मचारियों ने YS जगन जिंदाबाद के नारे लगाए। रेड्डी ने अभी घोषणा की रविवार को होने वाले मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने यह कहा कि घोषणा पत्र में दिए हर आश्वासन को पूरा किया जाएगा। सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाने के लिए कर्मचारियों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। YS जगन ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ सरकारी कर्मचारी संघ के नेताओं का निकटतम बने रहना आम बात है, क्योंकि कर्मचारी अपने समस्याओं का समाधान पाने के लिए ऐसा करते हैं। पिछली सरकार में जो भी कर्मचारी मुख्यमंत्री करीब रहे मैं उन्हें गलत नहीं मानता हूं। तो चलिए, एक ये तो आंध्र प्रदेश के कर्मचारियों के बहुत अच्छी बात है। बाकी जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ जल्दी बहुत अच्छी खबर आएगी, हम आपको ज़रूर अपडेट करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ में, और ऐसी न्यूज़